दोस्तों नमस्कार, आपका अभिनंदन, आभार। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू आवर चैनल, योर ऑनलाइन पार्टनर, एंड वेलकम इन दिस क्लास। बाय द वे, हम लोग पढ़ाई कर रहे थे नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में जो भी यहाँ पे हम लोग तो कर ही रहे हैं, तो आप लोग घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं मैथ्स का? और कोई भी रेफरेंस बुक या तो कोई भी इसका डीटीसीटेट का बुक रहे, या फिर कोई आपके पास जो टेक्स्ट बुक रहे, तो किसी से भी आप चैप्टर फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए, मैथ्स जो है वो थोड़ा प्रैक्टिस का चीज़ है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, आपका पेन उतना ही फास्ट होगा और कंसेप्ट उतना ही क्लियर होगा। तो बेसिकली जो मैथ्स कहते हैं ना, लॉजिक यदि आप लगाना सीख जाएंगे, तो ये समझिए कि मैथ्स में बहुत ही आनंद आएगा, और क्वेश्चन जब सॉल्व होगा तो बड़ा अच्छा लगता है। और जब तक कोई क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, तो दो बार तीन बार अपने से प्रयास करिए। और क्या होता है कि जब दो तीन बार प्रयास करते हैं फिर सॉल्व हो जाएगा, तो बड़ा अच्छा लगेगा आपको। तो बाय द वे, आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपका अलजेब्रिक पार्ट जो है आपका नंबर सिस्टम में। जैसे नंबर सिस्टम में भी कुछ अलजेब्रा की तरह क्वेश्चन दे देता है, तो उसको देखेंगे हम लोग। और साथ ही साथ सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स जो हम लोग पढ़ते थे, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, या फिर स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, या क्यूबिक, इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आता है, तो उस पर हम लोग देखेंगे। और उसके बाद यदि हो सके तो आज फ्रैक्शन का जो पार्ट है आपका, जिसमें कि मिक्स्ड फ्रैक्शन, पूर्णांक वाला जो था, उसका कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, पिछले क्लास में हम नहीं देख पाए थे। और साथ ही साथ जो है आपका, यदि हो तो बोडमास रूल जो है, बी बोडमास जो कहते हैं हम लोग, उसको भी देखेंगे। तो मैथ में पिछले क्लास में हमने पढ़ा था यूनिट डिजिट के बारे में, तो यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं उसका दो एग्जांपल, दो मिनट में हो जाएगा, उसको कर लेते हैं। और पिछले क्लास में तो शायद होमवर्क भी नहीं दिए हुए थे, तो आज दो एग्जांपल दिखा करके आपको फिर से एक बार होमवर्क देंगे, आप उसको घर पे करने का प्रयास करिएगा। तो हमारे पास दो क्वेश्चन है यूनिट डिजिट निकालने के लिए। पहला, इस तरह क्वेश्चन हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, बस आपकी रिवीजन के लिए जो हम लोग ये ले रहे हैं। क्वेश्चन है 27 × 5, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? तो बेसिकली हम लोग क्या देख रहे थे, सबसे पहले तो ये देखिए, 7 जो यूनिट डिजिट है उसको लिख लिए, और 25 में 4 से भागा दिए। 4 से भागा देने के बाद रिमाइंडर क्या, 4 × 6 = 24, एक रिमाइंडर बच रहा है, मतलब पावर 1 दे देंगे, बता देंगे कि इसका जो है यूनिट डिजिट 7 हो जाएगा। यूनिट डिजिट की जगह पे 1 हो, 2 हो, 3 हो, सबके लिए आपको यही करना है, ठीक है? ये रहा, एक और एग्जांपल लेते हैं, देख लीजिए, इससे ज़्यादा क्लियर होगा आपका। 341 × 742 × 848, इसका जो है आपको यूनिट डिजिट निकालना है, इकाई अंक का जो संख्या है वो निकालना है। तो कैसे निकालिएगा, सबसे पहले क्या लिखते हैं, 341 को भाग देंगे 4 से, तो रिमाइंडर आपका क्या हो जाएगा, 1 × 7⁴, 4 से 42 में भाग देंगे, रिमाइंडर हो जाएगा आपका 2। और 8 इस केस में देखिए, 48 जो है फुल्ली डिवाइड हो जाएगा 4 से, 4 × 12 जो है 48 हो जाएगा। तो फुल्ली डिवाइड केस में हम लोग क्या कर रहे थे, उसमें 1 × 4 ले रहे थे, ठीक है? मतलब 4 से भाग दिए, 4 ही रिमाइंडर आ गया। इस तरह से करके लेना है, यदि 1 बच जाए तो 1 लिख देना है, 2 बच जाए तो 2 लिख देना है, 3 बच जाए रिमाइंडर तो 3 लिख देना है, लेकिन यदि फुली डिजॉल्व हो जाए तो उसके केस में 4 लिख देना है, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा, 3 × 7 को दो बार गुना करेंगे, 7 × 7 यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा आपका, 9। 8⁴ है, 8 को जब 4 बार गुना करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, ठीक है? कैसे कैलकुलेट करेंगे, 8 × 8 = 64, यूनिट डिजिट 4, 8 × 8 = 64, यूनिट डिजिट 4, 4 × 4 = 16, यूनिट डिजिट 6, यहाँ पे 6 लिख दिए, ठीक है? इस तरह करके यूनिट डिजिट कैलकुलेट करिए, काफ़ी आसानी होगी। पहले भी देखिए, 3 × 9 = 27, यूनिट डिजिट 7, 7 × 6 यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा आपका, ये देखिए 42 का यूनिट डिजिट 2, ठीक है? तब अगर फिर से देख लीजिए, इसका पावर जो हम लोग था, जो भी 4 से भाग देने का जो रिमाइंडर आता था
वो बस लिख दिए, वहाँ से अब यूनिट डिजिट हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए दो क्वेश्चन हो गया। अब इस पर एक होमवर्क आपको नेक्स्ट दिन के लिए दे देते हैं, आप थोड़ा सा लॉजिक लगाइएगा तो आराम से बन जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन है आपका 23 to the power 23। ये दो तीन मेथड से बनेगा। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करने का प्रयास करिएगा, आशा करते हैं थोड़ा सा लॉजिक लगाइएगा तो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यही जो है आपका होमवर्क रह गया आज के लिए। आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि सर थोड़ा इजी क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं और हमको होमवर्क देते समय थोड़ा सा माई डिफ़िकल्टी लेवल हाई हो जाता है सर का, ऐसा कुछ नहीं है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है और एक मेथड नहीं, दो तीन मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, विद इन 2 सेकेंड आपके क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग अलजेब्रा पे बात करते हैं। कुछ अलजेब्रिक फार्मूला है जिसका यूज पड़ेगा आपको नंबर सिस्टम के क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो उस अलजेब्रिक फार्मूला को हम लोग देख लेते हैं। अलजेब्रिक फार्मूला जैसे जो हम लोग देखते थे पहले भी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, इसी बारे में वो एक जगह हम लोग करके देख लेते हैं। अलजेब्रिक फार्मूले, ठीक है, पहला सबसे पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आपको पता होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, तो हम लोग एज ए फॉर्मूला याद कर लेते थे। बाय द वे क्या है ये, ए प्लस बी को जब आप दो बार गुना करेंगे तो यहां से आपको गुना करने के बाद ये आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बाय द वे गुना करने का तरीका भी एक बार देख लेते हैं हम लोग यहाँ से। ए जो है, ए को पहले इससे गुना करेंगे, ए को इससे गुना करेंगे, फिर ए को ए से, ए स्क्वायर बी को बी से, सॉरी ए को बी से, ए बी, फिर बी को ए से, अच्छा ए बी बोले या बी ए बोले बात तो एक ही है, 4 × 5 या 5 × 4, अब बी इंटू बी बी स्क्वायर, तो ओवरऑल क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यही हम लोग एक्सप्रेशन में आसानी के लिए थोड़ा याद कर लेते थे, तो मैदी भाई ऐसे ही दो बार गुना करने से आ जाता है। ठीक है, पहला हो गया ये, दूसरा लिखते हैं हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये भी आप लोगों को याद ही होगा क्या होता है, बताइए, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बेसिकली ये आता कहाँ से है, यदि आपको ये फॉर्मूला याद रहे तो इसमें b की जगह पे यदि माइनस बी पुट कर दें, b के जगह पे यदि माइनस बी पुट कर दें तो आपका ये आ जाएगा, b के जगह माइनस बी, b के जगह माइनस बी करने से ये आ जाएगा। ठीक है, बेसिकली क्या a प्लस माइनस बी, यही तो करना है, ये तो हम इस फॉर्मूला पे इसको रख ही सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका, या फिर दिक्कत लगे तो a माइनस बी को यदि आप दो बार गुना कर दीजिए, a माइनस बी इंटू a माइनस बी, तो वहाँ से आपका आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ए से गुना करिए माइनस ए बी माइनस बी ए, तो इसको ए बी बोल देते हैं, गुना करने के बाद आपका ये आ जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा दूसरा फॉर्मूला हो गया। तीसरा आते हैं हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, स्पेशली जो नंबर सिस्टम के रेफरेंस है, इसमें नंबर सिस्टम पे इस पर काफ़ी सारा क्वेश्चन किया जाता है इस फार्मूला पे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बेसिकली जब दोनों का गुना करिए तो कुछ कैंसिल आउट होगा और यहाँ से आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, फार्मूला नंबर 4 देख लेते हैं, क्यूबिक, जैसे ए प्लस बी होल क्यूब, ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल क्यूब। मतलब ए प्लस बी को जब 3 बार गुना करेंगे तो जो आएगा वही हमारा फॉर्मूला भी होगा, तो ए प्लस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी,
ये पढ़े थे कि नहीं, याद होगा, ए प्लस बी का होल क्यू जो होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। बाय द वे यदि आप यहाँ से देखिए एक और फार्मूला डिराइव हो जाता है ए क्यू प्लस बी क्यू, ये जो है आपका ए क्यू प्लस बी क्यू, इस पार्ट को यदि हम लेफ्ट साइड ले आएँ तो यहाँ से ये फार्मूला बन जाएगा, तो ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू ए माइनस ए, ठीक है। मतलब हो गया ए प्लस बी का होल क्यू माइनस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। अच्छा ए क्यू प्लस बी क्यू का और एक फार्मूला होता है जो काफ़ी यूजफुल होता है, उसको भी जान लेना ज़रूरी है। ये हो जाता है आपके ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का ये भी यूज़ करते हैं हम लोग, ये भी यूज़ करते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी यूज होता है, ठीक है। ये रहा, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। बाय द वे इसका नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, प्रॉब्लम नंबर सिक्स। अब देखिए इसी में ए क्यू माइनस बी क्यू, ये देखिए हम लोग यहाँ पे देखे थे ए क्यू प्लस बी क्यू का ये रहा, तो ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू का क्या हो जाएगा। अच्छा पहले इसका a माइनस बी होल क्यू देख लीजिए, तो बाय द वे जो b के जगह पर यदि हम लोग माइनस बी पुट कर दें तो हमारा ये फॉर्मूला आ जाएगा, तो क्या b के जगह माइनस बी, b के जगह माइनस बी, b के जगह माइनस बी। बाय द वे फॉर्मूला यहाँ से क्या आ जाएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी, ये आपका जो है फॉर्मूला आ जाएगा। a माइनस बी का होल क्यू इज इक्वल टू ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी। अब यहीं से आप यदि ये निकालना चाहें तो वो भी आ जाएगा, तो ए क्यू माइनस बी क्यू ए माइनस बी होल क्यू, ये जो पार्ट है उसको लेफ्ट साइड दे देते हैं, प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। ये फॉर्मूला हमको यूज होना है नंबर सिस्टम में, ठीक है। बाय द वे ए क्यू माइनस बी क्यू का एक दूसरा फॉर्मूला भी काफ़ी यूजफुल होता है, जैसे ये वाला था उसी तरह का। क्या होता है ए माइनस बी जी ए माइनस बी इंटू ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। बाय द वे इस दोनों में से ए माइनस बी कॉमन ले लीजिए ना, आपको ये आ जाएगा, तो एक ही है ए माइनस बी कॉमन यहाँ से मान लीजिए ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस थ्री ए बी, तो आप जब ए माइनस बी के होल स्क्वायर को ब्रेक करेंगे आपका वहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस थ्री ए बी, तो यहाँ पर आ जाएगा। तो बात एक ही है, इस पर अलग फार्मूला नहीं, एक ही है बस कॉमन ले करके थोड़ा ये, तो दोनों का यूज होता है जहाँ पर जिस तरह का देखेंगे। यदि कहीं पर आपको मल्टीप्लाइंग टाइप का टर्म रहेगा तो यहाँ पर ये यूज़ कर लेंगे, बाकी जगह यही यूज़ करेंगे। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं तीन वेरिएबल वाला, जैसे आपका हो गया ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो काफ़ी यूज़ किए होंगे आप लोग भी, प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू ए सी, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू ए सी। इसी पे यदि हम कह दें कि आपको a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर बताइए क्या होगा, तो क्या करेंगे c के जगह पे माइनस सी पुट कर देंगे, इसलिए तो चेंज होगा नहीं, माइनस सी का होल स्क्वायर जो है वो फिर से सी स्क्वायर ही हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा और ये निगेटिव हो जाएगा, जिस जिस जगह पे c है वहाँ वहाँ जो है हम लोग क्या करेंगे माइनस सी रख देंगे, तो वहाँ से आपका ये आ जाएगा। तो इसका भी काफ़ी यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट एक और फार्मूला है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का हो कोई भी एग्ज़ाम हो या फिर इधर का आपका सीटेट वाला कहीं एग्ज़ाम, इसमें क्वेश्चन आता ही आता है, इस पर काफ़ी इम्पोर्टेंट फार्मूला है। क्या है देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी इज इक्वल टू, ये होता है आपको ए प्लस बी प्लस सी इंटू
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री बी सी का फॉर्मूला हो गया आपका ये, ठीक है। इसमें कंडीशन क्या आता है देखिए, जिसकी वजह से ज्यादा यूज होता है इसका, इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, यदि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, यदि क्वेश्चन में दिया हुआ है या फिर किसी भी तरह से यदि हमको ये आ जाता है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो क्या होगा कि ये टर्म जो है आपका पूरा जो है आपको कैंसिल आउट हो जाएगा, चूंकि जीरो से गुना हो जाएगा, तो इस केस में क्या होगा, इतना इक्वल टू जीरो, मतलब ये हो गया ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री बी सी इक्वल टू जीरो, तो इक्वल टू हम लोग कह देते हैं थ्री ए बी सी, क्लियर हुआ, इतना इक्वल टू जीरो, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू थ्री बी सी, ये खूब यूज होता है एग्जामिनेशन में। बाय द वे यहाँ से ये जो फॉर्मूला है आपका, इसको थोड़ा सा यदि हम और चेंज करना चाहें तो वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। ये देखिए टू बाई टू से यदि गुना कर दें और हाफ बाहर में रख लेते हैं, यहाँ पे टू बाई टू से गुना कर दिए, हाफ यहाँ रख लिया, टू अंदर में दे देंगे तो क्या हो जाएगा, टू ए स्क्वायर टू बी स्क्वायर टू सी स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस टू बी सी माइनस टू ए सी, तो टू ए स्क्वायर जो है उसको ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख दीजिए, टू बी स्क्वायर को टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस यहाँ से एक बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो ये आपका हो गया माइनस बी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला जो है थोड़ा चेंज होकर आपका आ जाएगा इस तरह से, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ये भी यूज होता है, फॉर्मूला हो जाएगा ए माइनस बी का हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो ये रहा आपका अल्जेब्रिक का लगभग जो फॉर्मूला आपका इसमें काम लगेगा, बाकी सारा कुछ तो हम लोग अल्जेब्रा में डिस्कस करेंगे ही, अल्जेब्रा में तो बहुत कुछ पढ़ना है, अल्जेब्रा ही है तो उसमें उस चैप्टर का ऑलमोस्ट सब कुछ डिस्कस करेंगे और एक्सप्रेशन पे भी जाएंगे। यहाँ पे जस्ट उस पे बेसिस पे जो क्वेश्चन आता है उसको देखने के लिए जो है हम लोग इस थोड़ा फॉर्मूला सब जो है उसको हम दिखा रहे हैं। चलिए अब इस पे किस तरह का क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में वो देखिए, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है देखिए 2.5 इंटू 2.5 इंटू 2.5 प्लस 1.5 इंटू 1.5 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई सॉरी प्लस 3 इंटू 2.5 इंटू 1.5, अच्छा किसको ब्रेक करके ही लिख देते हैं आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी, 2.5 प्लस 1.5, ठीक है, ये 2.5 इंटू 2.5 इंटू 2.5, ये 1.5 को तीन बार गुना प्लस 3AB, सॉरी हम क्लियर ही कर दिया आपको, तो 3 इंटू 2.5 इंटू 1.5 प्लस ए प्लस बी। बेसिकली यदि आप इस क्वेश्चन में कहता है इसका वैल्यू निकालिए, तो जब आप गुना करके करेंगे तब तो मुश्किल है ही, तो आपको वहाँ पे लॉजिक लगा लेना होगा कि ये किसी ना किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में होगा इतना में, तो कैसे आप इसको कैलकुलेट करिएगा, देखिए यदि 2.5 को आप a मान लीजिए और 1.5 को यदि आप b बोल दीजिए, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3AB इंटू ए प्लस बी, यही तो हो गया आपका। अब इसी को अभी आपने देखा ये किसका फॉर्मूला है बताइए, a प्लस बी का होल क्यू, एग्जैक्टली ए प्लस बी का होल क्यू, अब ए का वैल्यू है आपको 2.5, बी का वैल्यू है 1.5, दोनों को जोड़ दीजिए 4, 4 का क्यू 64, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो था नंबर सिस्टम का क्वेश्चन लेकिन टोटली सॉल्व हुआ किस पे आपका, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका देखिए 137 मल्टीप्लाई बाय 137 प्लस 137 इंटू 133 प्लस 133 इंटू 133 डिवाइडेड बाय 137 इंटू 137 इंटू 137 माइनस 133
आपको देखने से ही लग रहा होगा कि ये किस पे आ रहा है, किसी न किसी फॉर्मूला पे देखिए इसका ये आ रहा है। अब किस पे आ रहा है, तो यदि 137 को हम लोग ए बोल दें और 133 को बी बोल दें, ए इज इक्वल टू 137, बी इज इक्वल टू 133, ए इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये क्या हो जाएगा आपको, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब ए क्यू माइनस बी क्यू को जब आप ब्रेक करेंगे तो आपको वो वाला जो दूसरा वाला था इसको ब्रेक करने के बाद क्या आ जाएगा, इसको यहीं पे हम ब्रेक कर देते हैं, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से वो कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट, यहाँ से वन बाई ए माइनस बी, और वन बाई ए माइनस बी, ए का वैल्यू 137, बी का वैल्यू 133, ए माइनस बी इज इक्वल टू 4, इसलिए 1/4 यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ से इस तरह का जो है आपको क्वेश्चन देता है। और अभी एक को आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया हुआ था वो हम आपको दिखा देते हैं इसका। हाँ वैदि भाई, थोड़ा सा वो इस लॉजिक पे नहीं है, सिर्फ आपके एग्जामिनेशन में आया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले 5:2 ये क्या हो जाएगा, 5a*b है तो a*b को हम लोग इस रूप में ब्रेक करेंगे, तो 5² + 2² क्या हो जाएगा आपका 29, ये वैल्यू आपका हो गया 29। और जब 29.25 है, यहाँ पर देखिए a डॉट b क्या कर रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब क्या 29² - 25² अब इसको या तो स्क्वायर करिएगा आप या स्क्वायर करिएगा, बेटर है इसको हम फिर से अलजेब्रिक पे ही डाल देते हैं, क्या हो जाएगा 29 + 25 और 29 - 25 4, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। 29 + 25 कितना हो गया 54, 54 मल्टीप्लाई बाई 4 मतलब 216 इसका रिक्वायर्ड आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ही आपको सोचना है, ये एक क्वेश्चन आया हुआ था। चलिए तो अलजेब्रा का जो है आपको बस इतना ही था, नेक्स्ट हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं जो तो नेचुरल नंबर वाला जो था उसका। ठीक है, नेचुरल नंबर का क्या था, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स जो है, जैसे वो एन नेचुरल नंबर का क्या मतलब है, 1 + 2 + 3 + 4 अप टू एन, ठीक है। ये जो है आपको क्या हो जाएगा, एन इंटू एन प्लस 1/2। यहाँ एन क्या है आपको, नंबर ऑफ टर्म्स है, जितना आपको टर्म है, जैसे मान लीजिए पूछ देगा कि एक से लेकर के, आपको ध्यान रहे कि स्टार्टिंग जो है इसमें वन से ही हो रहा है, एक से लेके 10 तक पूछ दे या 20 तक पूछ दे या 50 तक पूछ दे, उस केस में क्या करना है, मान ली 20 तक है तो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे देखिए एक से लेके 20 तक कितना टर्म हो जाएगा, 20 ही होगा, 20 हुआ, तब सम यदि इसका पूछ रहा है तो क्या सम हो जाएगा, 20 × 21/2, ठीक है। एन इंटू एन प्लस वन, एन यहाँ पे 20 है तो 20 × 20 + 1 = 21 / 2, ठीक है, एन इंटू एन प्लस 1/2 यहाँ पे आपका 210 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एग्जामिनेशन में भी आता है और इसको जानना ही चाहिए। तो यहाँ पे सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स जो हो गया आपको 1 + 2 + 3 जो है आपको यदि अप टू एन, ये आपका क्या हो जाएगा, एन इंटू एन प्लस 1/2 वेयर एन इज जो है नंबर ऑफ टर्म्स, जितना है उस पे। चलिए नेक्स्ट, यदि इसी का यदि स्क्वायरिंग रहे 1² + 2² सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, द स्क्वायर दिया हुआ रहे,
अप टू एन स्क्वायर्ड, एन की जगह कुछ भी दे सकता है, 10 तक का जो है सबका स्क्वायर का सम, ये तो मैनुअली तो करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसको जो है वह फॉर्मूला पे जब हम दे देंगे तो वो आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये होता है आपको एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाय सिक्स, ठीक है, जो स्क्वायर का जो सम होता है। अब एन की जगह मान लीजिए बोलेगा कि 25 तक का निकालना है, तो एन की जगह पे क्या रख देंगे, 25 इंटू 25 प्लस एक इंटू दो इंटू 25 प्लस एक डिवाइड बाई सिक्स, ये हो जाएगा आपका, ये हुआ सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर क्या हुआ, स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर। और यदि ये क्यूबिक रहे, क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर, सब उसका सम ये अप टू एन क्यूब, ये क्या हो जाएगा एन इंटू एन प्लस वन बाई टू इसका होल स्क्वायर, ठीक है। ये तीनों आपका एक्सप्रेशन जो है ये तो पढ़ना ही पढ़ना है सबको, और इस पे बेसिस पे सीधा सीधी क्वेश्चन रहेगा यदि रहेगा तो। बाय द वे ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये जो ये हम लोग लिख रहे हैं ये भी आपको हम प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन देखिए प्रूफ से जो है बस टाइम ही लगेगा, बस एक दिखा देते हैं, बाकी आप दो पे विचार कर लीजिएगा, उसका थोड़ा सा अलग प्रोसेस भी है। तो बाय द वे ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है इसको जो सीखना, बस आपके दिमाग में बस यही रहना चाहिए कि वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर जो है अप टू एन तक जो है एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, स्क्वायर का यदि सम है तो एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स, और वन क्यूब टू क्यूब थ्री क्यूब ये जो है करते करते क्यूबिक यदि रहे तो इसका सम आपका जो है योगफल जो होगा इस सबका ये आपका ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यदि आपको प्रूफ ही करना पड़े तो ये बहुत आसान प्रूफ है, इसको प्रूफ करते हैं, काफ़ी आसान प्रूफ है इसका। वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस ये करते हैं कि मान लीजिए एन तक का है, इसको उल्टा करके लिख दीजिए एन, अच्छा एन से पहले क्या हो जाएगा एन माइनस वन, उल्टा करके लिख दीजिए एन प्लस एन माइनस वन, लास्ट में क्या हो जाएगा थ्री टू वन इधर थ्री, ठीक है। अब इसको जो है जोड़ दीजिए, मान लीजिए इसको हम यदि एस बोल दें तो नीचे में भी तो एस, बस उसी को तो उल्टा करके लिख दिए हम लोग, तो इसी के लिए क्या हो जाएगा ये टू एस, इधर जोड़ जब योग जोड़ेंगे एन प्लस वन, इसको भी जोड़िएगा एन प्लस वन, इसको भी जोड़िएगा एन प्लस वन, इस तरह करके एन नंबर ऑफ एन प्लस वन हो जाएगा। एन नंबर ऑफ एन प्लस वन मतलब क्या हो गया, टोटल सम हो जाएगा एन इंटू एन माइनस वन। यहीं से आप कह सकते हैं कि एस का वैल्यू जो हो जाएगा एन इंटू एन माइनस वन बाई टू, ठीक है। बस सीधा था उसको फिर से उल्टा करके लिख दिए और दो इक्वेशन की तरह इसको ऐड करके लिख दिए, तो सॉरी एन प्लस वन, वन प्लस एन दोनों को एडिशन कर रहे हैं, एन माइनस वन प्लस टू एडिशन हुआ, तो एन इंटू एन प्लस वन हो गया एन नंबर ऑफ एन प्लस वन, तो टोटल हो गया एन इंटू एन प्लस वन, तो एस इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, ये आपका यहाँ से फॉर्मूला आ गया। इस तरह इसका भी प्रूफ किया जा सकता है, इसका भी प्रूफ किया जाता है, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है, रिजल्ट यदि आप जाने रहे तो वो हो जाएगा, ठीक है। चलिए इससे और रिलेटेड दो रिजल्ट है वो यदि जान लें तो, स्पेशली सीटेट या फिर कोई स्टेट का जो एग्ज़ाम होगा उसमें काफ़ी सीधा सीधी यहाँ से क्वेश्चन रहता है, जैसे आपका इसमें हमने देखा कि नेचुरल नंबर स्क्वायर वाला क्यूब वाला। अब देखते हैं इसका सम ऑफ एन ऑड नंबर्स, बस इस थोड़ा रिजल्ट को बस याद रख लेना है, सम ऑफ एन इवन नंबर्स, ठीक है। तो सम फर्स्ट एन ऑड नंबर्स, इसका जो होता है आपका एन स्क्वायर होता है, इसका जो होता है एन स्क्वायर प्लस एन या फिर एन इंटू एन प्लस वन बोल दीजिए, ये रहता है, एक होता है एन स्क्वायर, दूसरा होता है एन इंटू एन प्लस वन, ये दो आप भी दिमाग में रखें। बाय द वे एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, एन जो हो गया आपका नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। अब देखिए यहां से जैसे मान लीजिए ऑड नंबर से एक तीन पांच सात नौ, इसका वैद्य तो ऐसे ही जोड़ सकते हैं, वैद्य में यदि इसको फॉर्मूला पे यदि जोड़ना पड़े तो कैसे आप जोड़िएगा, वैद्य नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया यहाँ पे देखिए,
यहाँ पे 1, 3, 5, 7, 9 पांच टर्म है, तो पांच टर्म है तो इसका एडिशन जो होगा क्या हो जाएगा 25, 5 स्क्वायर। उसी तरह से यदि इवन नंबर्स होगा 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह के यदि हम जानना चाहेंगे तो जितना नंबर ऑफ टर्म्स रहेगा ये जो है आपका एन इंटू एन प्लस वन, ठीक है, उस पर बिठा देंगे। तो पांच टर्म यदि है यहाँ पे 5 × 5 + 1 = 6 = 30, ठीक है। बाय द वे ये नंबर ऑफ टर्म्स जानने के लिए ये तो आपका हो गया कि इस पे क्वेश्चन यदि आएगा तो हम सीधा सीधी इस फॉर्मूला की हेल्प से कर देंगे, ठीक है। अब इसके लिए आपको एक अर्थमेटिक सीरीज है उसको जान लेना ज़्यादा ज़रूरी है। क्या है अर्थमेटिक सीरीज जो है, जैसे कोई भी सीरीज है, जैसे यहाँ पे आप देखिए 1 से शुरू हो रहा है तो बस उसका सम वाला हम लोग देखे या डिफरेंस 1 था, लेकिन किसी भी कोई भी सीरीज हो, जैसे आपका मान लीजिए कि 5, 10, 15, 20 इस तरह कोई एक सीरीज है, या फिर ठीक है इस तरह का मान एक सीरीज मान लें, इसका एडिशन कैसे आप निकालिएगा, ठीक है, ये थोड़ा सा सीख लेना ज़रूरी है। तो इसका यदि हम पूछे कि भाई फर्स्ट टर्म आपका 5 हुआ, दूसरा टर्म जो हुआ 10 हुआ, तीसरा टर्म होगा 13, तो इस तरह करके आपका मान nth टर्म क्या हो जाएगा, nth टर्म क्या हो जाएगा, तो nth टर्म हो गया आपका मान लीजिए nth की जगह क्या हो सकेगा 10वां, 12वां या 14वां या 15वां टर्म, कुछ भी हम कैलकुलेट करना हो। यदि nth टर्म, ये सिंबल हुआ nth टर्म, यदि nth टर्म का जो वैल्यू क्या होगा, तो a कहते हैं फर्स्ट टर्म n प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ठीक है। nth टर्म जो होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू d, यहां पे जो है n जो है नंबर ऑफ टर्म्स और a जो है आपका फर्स्ट टर्म जो है यहां पे फर्स्ट टर्म और d जो है आपका क्या है डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म, जैसे 5, 10 के बीच का डिफरेंस, किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस जो है वो आपका d हो गया, a जो हो गया आपका फर्स्ट टर्म हो गया, और n जो हुआ नंबर ऑफ टर्म्स होगा लास्ट tn जो हुआ आपका जो nth टर्म है, तो nth टर्म के लिए आपके लिए ये फॉर्मूला है, ठीक है, ओके। तो मान लीजिए हमको यहाँ पे कह दे कि इस तरह का जो है 50 टर्म है, 5 से लेके आपका 50th टर्म तक जाना है, तो हमको पता करना है कि इसका लास्ट टर्म क्या होगा। तो लास्ट टर्म मतलब क्या हुआ, आपको 50th टर्म आपको पता करना है, सबसे लास्ट टर्म पता करना है, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो गया आपका यहाँ पे 5, लास्ट टर्म जो है आपको 50th टर्म पता करना है, तो n के जगह पे क्या हो गया 50 टर्म हुआ, तो 50 माइनस 1 और डिफरेंस भी जो है क्या है आपका 5 है, डिफरेंस भी जो है यहाँ पे क्या है 5 है, d भी 5 है और a भी 5 है, तो इस तरह से 5 + 50 - 1 = 49 × 5 ये हो जाएगा आपका 5 + 245 ये हो गया 250, 50th टर्म जो होगा आपका वो हो जाएगा 250। यहाँ पे आपको देखने में आसान लग रहा है कि सर 5 से शुरू हुआ 5, 10 तो 50वां टर्म तो ऐसे ही 250 लग रहा है। बाय द वे यदि और कुछ कॉम्प्लिकेटेड होगा हम आपको नेक्स्ट क्लास में दिखाएंगे, तो उसमें जैसे 250 दे दिया तो पूछ देगा कि नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितना होगा, तो 250 दे दिया नंबर ऑफ टर्म्स यदि निकालना रहे, मान लीजिए आपको नंबर ऑफ 250 दे दिया कि लास्ट टर्म जो है हमारा 250 है, तो कितना नंबर ऑफ टर्म रहेगा, तो उसको जानने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 250 लिख देंगे, 5 + हमको पता नहीं है कितना टर्म होगा, तो इसको n मान लिए, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करके जो है हम लोग n का वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हैं, फर्स्ट टर्म वही रहेगा डिफरेंस वही रहेगा, ठीक है। तो ये रहा आपका, तो इस जिस तरह से ये आपका है, तो यदि आपका n टर्म जब आप निकाल लिए तो उसके बाद जो आपका सम ऑफ टर्म भी निकालना होता है कि सबको जोड़ने के बाद क्या होगा, तो जोड़ने के बाद हो जाएगा n by 2 a plus n minus 1 2a plus n minus 1 into d, ठीक है।
मतलब ये हो गया n बाई टू टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। अभी हमने देखा कि 50 टर्म हम लोग ले रहे थे, तो 5 10 15 करके इस तरह करके 50 टर्म का जो है एडिशन क्या होगा। तो 50 टर्म ले रहे हैं तो मतलब 50 50 बाई 2, फर्स्ट टर्म जो है आपका 5 है तो 2 × 5 2a है, a जो है आपका 5 है तो 2 × a 10 प्लस n माइनस 1 जो नंबर ऑफ टर्म्स है आपका 50 है, 50 माइनस 1 49 मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस 5, ये जो भी वैल्यू होगा आपका पूरा एडिशन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे दो चीज़ ही माइंड में रखना है, एक nth टर्म का फॉर्मूला जो आपका बन रहा है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये जो आपका टोटल सम ऑफ द सीरीज जो है सम जो बन रहा है ये n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ पे यही आपका दो फॉर्मूला, इसको बस आप याद रखिए। इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में हम लोग और थोड़ा डिस्कस कर देंगे, और थोड़ा अपने से पढ़ लीजिएगा तो एक कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। उसके बाद हम देखेंगे कि कोई भी सीरीज हो वहाँ पे यदि हमको फर्स्ट टर्म पता है, डिफरेंस पता है, और नंबर ऑफ टर्म दिया हुआ रहेगा या फिर लास्ट टर्म आपको दिया हुआ रहेगा, तो वहाँ से हम लोग उसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और आज भी टाइम हो गया, फ्रैक्शन वाला तो हो नहीं पा रहा, तो नेक्स्ट क्लास में हम फ्रैक्शन वाला देख लेंगे। और जो बी बदमाश जो रूल है आपका, जैसे कि पहले क्या करना चाहिए, पहले भागा फिर गुना फिर जोड़ प्लस फिर माइनस करना है, पहले सबसे पहले बार, तो बी बदमाश रूल देखेंगे और फ्रैक्शन का जो हम लोग देख लेंगे। और उसके नेक्स्ट क्लास में इससे जो रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा सारा वेरिएशन जिस तरह का एग्जामिनेशन में आता है वो सारा कुछ हम लोग एक क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और इसको थोड़ा घर पे भी पढ़ लीजिएगा एक बार फिर से, जो यहाँ पे क्लास में हो रहा है उसको नोट कर लीजिए, तो बाद में आपको बहुत ही काम देगा। तो और नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग डिस्कस करेंगे तो भी बदमाश रोल जो है आपका, और जो है आपका फ्रैक्शन का जो कंपेरिजन मिक्स फ्रैक्शन पे उसके बारे में। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, नमस्कार।